बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा का पांव फिसलने के बाद पेट दर्द के चलते क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भर्ती किया गया। अस्पताल में एक्सरे करवाने के बाद सीटी स्कैन की सुविधा न मिलने के चलते एक निजी अस्पताल में करवाया गया। सीटी स्कैन के बाद एनएल नड्डा को कुछ घंटों के लिए क्षेत्रीय अस्पताल के वीआईपी वार्ड में एडमिट किया गया। एक्सरे सीटी स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल आई। बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने जानकारी में कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, एनएल नड्डा ठीक है और जल्द ही अस्पताल से स्वस्थ होकर घर के लिए डिस्चार्ज होंगे। गौरतलब है कि बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली चल रहा है, जिसके चलते अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। वहीं सीटी स्कैन की मशीन भी बीते ढाई साल से बंद पड़ी है, इसलिए जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा को निजी अस्पताल सीटी स्कैन के लिए लाया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का गृह जिला बिलासपुर है। इसके बावजूद भी जिला मुख्यालय स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को सीटी स्कैन व अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है और उन्हें टेस्ट के लिए निजी लैब का रुख करना पड़ता है। नड्डा जी के पिताजी घर में उनकी थोड़ा स्लिप हुए थे, उससे उनको लग रहा था कि पेट में कुछ थोड़ी दर्द है, तो प्रिकॉशनरी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलासपुर में लाए थे। वहाँ पर हमारे जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं उन्होंने भी और डॉक्टर ने वहाँ देख के उनको उनका एक्सरे भी किया, तो कोई ऐसा नहीं था गिरने के कारण कोई फ्रैक्चर या कोई ऐसी कोई भी, उन्होंने एक्सरे जो किया है बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि एनआर हॉस्पिटल ले जाके उनका अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा गया, तो यहाँ भी अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें भी नॉर्मल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ पेट में दर्द बता रहे थे, तो उसमें यही आया है कि थोड़ा स्टूल पास नहीं हुआ है, उसके कारण है, बाकी कोई ना तो कोई ऐसी घबराने वाली बात है और ना ही कोई ऐसी सीरियस बात है। नॉर्मली जो गिरने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ी दर्द है, तो वो सारा इन्वेस्टिगेट करके अब उनको प्रिकॉशनरी यहाँ पर हर एक तरह से जो मेडिकल दृष्टि से डॉक्टरों ने जो जाँच की है उसमें सब ठीक पाया गया है और ठीक है, तो वो यहाँ से अब प्रिकॉशनरी डॉक्टर साहब उनको ले गए हैं कि स्पेशल वार्ड में थोड़ी देर रख के अपने घर चले जाएंगे। तो आदरणीय नड्डा जी के, जेपी नड्डा जी के छोटे भाई यहाँ थे और उनके भाभी जी भी यहाँ थे, विनोद जी थे सारे और अपने लोग, सारे लोग यहाँ, ऐसा जब सुना तो सभी लोग आए, लेकिन सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है और कोई ऐसी बात नहीं है।